YouTube चैनल हर्ष के गढ़। हाँ तो गाइस, आप लोगों ने मूवियों के लिए बुकिंग देखी होगी, रिकॉर्ड्स देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से बुकिंग चल रही है, जिस तरह से रिकॉर्ड चल रहे हैं पुष्पा दी रूल के, ये आप लोगों को फर्स्ट टाइम दिखाई पड़ रहा है। और पुष्पा दी रूल की जो एडवांस बुकिंग लाखों में नहीं करोड़ों में चली, और जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप यही बोलने वाले हैं, पाटिले दे पुष्पा। तो गाइस सबके बारे में बात करने वाले हैं, अपडेटेड एडवांस बुकिंग के बारे में, भारत में कितनी हो गई है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे कितनी हो गई है। तो जितने भी फैंस देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक करो, आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते, वीडियो देखते जरूर है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप ही का चैनल है। तो जान लेते हैं सबसे पहला रिकॉर्ड भाई सब पुष्पा राज ने सालार सीज फायर पार्ट 1 का जो बुक माय शो का ह्यूज रिकॉर्ड था उसको तोड़कर रख दिया है, यानी कि 1.8 मिलियन का ऑर्गेनिक इंटरेस्ट का रिकॉर्ड को भाई सब मट्टी में मिला दिया। और ये रिकॉर्ड को रिकॉर्ड मत बोलिएगा क्योंकि जो प्रभास अन्ना सर जो इंडियन सिनेमा में जो लठ गाड़ते हैं, झंडे गाड़ते हैं और लोगों को थोड़ा ठीक करते हैं ना, वो हल्के लेवल पर नहीं होता है। तो सलार सीज फायर पार्ट 1 का भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया है पुष्पा मूवी ने। और अभी तो ये रिकॉर्ड की स्टार्टिंग हुई है, मैं आप लोगों को मल्टीपल अपडेट देने वाला हूं। भाई साहब सर्वर क्रैश पड़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है और ये सर्वर इस तरह से फैंस के मजे ले रहा है कि मतलब इतना तो कोई अपनों के भी मजे नहीं लेता जितना मजे ले रहा है। और वही इसके यूएसए यानी कि प्रत्यंग्री सिनेमास की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर शेयर किया है, 75,000 प्लस इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। दिख रहा है कि पुष्पराज किस तरह से इंडियन सिनेमा के साथ सारे रिकॉर्डों के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब मैं कुछ IMP वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। भाई इसके बेंगलुरु में ही इसकी जो एडवांस बुकिंग हो गई है 3,28,00,000 प्लस की हो गई है और हाईएस्ट प्राइस हाई कितना लेवल देखने को मिल रहा है, मतलब कि आप लोग ये बोलने वाले हैं कि ये हो क्या रहा। और वही वो तो छोड़ो, उड़ीसा में 1.5 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है, प्री सेल्स हो गई ओनली जस्ट उड़ीसा के अंदर 1.5 करोड़ की। और वही गुजरात में जहां पर अपने नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी का जो राज्य है, वहां पर भी 1.5 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है। और अभी तो रिकॉर्ड्स में बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी तो मैंने बेंगलुरु का बताया, उड़ीसा का बताया, गुजरात का बताया है और महाराष्ट्र का मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप ये बोलने वाले कि हर्ष भाई ये तो यार मानना पड़ेगा कि रिकॉर्ड्स तो बन रहे हैं। और वही पुष्पा मूवी की टीम को आंध्र प्रदेश में हाइएस्ट प्राइस का जो परमिशन था भाई साहब, जो गवर्नमेंट है उन्होंने पास कर दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। पुष्पा दी रूल विल हैव द हाईएस्ट टिकट प्राइस फॉर एनी फिल्म इन द लास्ट 6 ईयर इन आंध्र प्रदेश, द ऑफिशियल परमिशन लेटर विल बी आउट इन द मॉर्निंग। मूवी की टीम को भाई साहब परमिशन दे दिया है कि आप अपना प्राइस बढ़ाओ, जितना भी बढ़ाओ, लेकिन हमारा टैक्स दे दीजिएगा जो आंध्र प्रदेश की हाँ सरकार का होगा वो टैक्स दे दीजिएगा। तो सबसे हाईएस्ट प्राइस देखने को मिल रहा है। अब जरा मैं आप लोगों को बताता चलूं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है वो 80 करोड़ क्रॉस होने वाली है, मतलब कि 80 करोड़ हो चुकी है। और जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा मे बी 81 करोड़ यानी कि 81 करोड़ की हो जाएगी। तो जरा अब नजर डाल लेते हैं इसकी अपने प्यारे भारत की एडवांस बुकिंग के लिए, क्योंकि बुकिंग हो ही नहीं रही है भाई, सब तबाही हो रही है। और तबाही इस तरह की देखने को मिल रही है कि सारे के सारे जो हेटर्स हैं पुष्पराज के पता नहीं कहाँ घुसकर बैठे हैं, दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। तो गाइस तेलुगु वर्जन की अपन बात कर लेते हैं, तेलुगु 2D पर आ जाते हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज है। शोज जो है 3,365 शोज है, एवरेज टिकट प्राइस है 352 रुपए का, 411,992 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, 14,76,80,700 प्लस का इसका ग्रोस निकल कर आया है ओनली जस्ट तेलुगु 2D का। 14 करोड़ हो गया मतलब कि नियरिस्ट 15 करोड़ होने वाला है। तेलुगु 3D पर आ जाते हैं, 78 शोज है, 335 रुपए का एवरेज टिकट प्राइस है, 3,140 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, ग्रोस जो निकल कर आ रहा है बाप रे बाप
10,48,968 का इसका ग्रोस निकल कर आ रहा है तेलुगु 3D का। तेलुगु आईमैक्स 2D की बात कर लेते हैं, 44 शोज है, 961 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 2,658 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और जो ग्रॉस निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है आईमैक्स 2D तेलुगु का, बापरे बाप, 24,48,120 रुपए का निकल कर आ रहा है। तेलुगु 4DX का जो है शोज 24 है, 24 शोज है, 794 का इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 547 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ग्रॉस जो निकल कर आया वो निकल कर आया 317,790 का आया। हाँ, तो तेलुगु का देख लिया, अब मूव करते हैं हिंदी लैंग्वेज का क्या सीन है, किस तरह से बुकिंग देखने को मिली है। हिंदी 2D पर आ जाते हैं, शोज जो है 11,296 शोज है, 265 इसका एवरेज टिकट प्राइस है। अभी तक जो टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं वो हो चुके 3,45,523 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ग्रॉस जो निकल कर आ रहा है 9,42,24,005 रुपए का इसका ग्रॉस निकल कर आ रहा है। हिंदी 3D पर आ जाते हैं, 2,330 इसके शोज है, 303 रुपए का इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 98,692 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। यानी कि जब तक देखा थोड़ा, जब तक वीडियो पोस्ट करूंगा तो 1,00,000 हो जाएंगे। और ग्रॉस जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है, बाप रे बाप, 3,09,55,785 का इसका ग्रॉस निकल कर आ रहा है। हिंदी आईमैक्स 2D पर आ जाते हैं, 82 इसके शोज है, 696 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 4,915 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ग्रॉस जो निकल कर आ रहा है 33,12,210 का निकल कर आ रहा है। तमिल पर फॉरवर्ड होते हैं, तमिल 2D पर आ जाते हैं, अभी तक जो शोज है 850 शोज है, 164 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 35,592 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ग्रॉस जो निकल कर आ रहा है 61,21,919 का इसका ग्रॉस निकल कर आया तमिल 2D का। वहीं तमिल 3D की बात कर लेते हैं, 3 शोज है, 352 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 334 इसके टिकट सोल्ड आउट हुए। ग्रॉस जो निकल कर आया 1,13,560 का निकल कर आया। अब जरा मूव करते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज की तरफ, तो कन्नड़ा 3D में है क्या नहीं है। कन्नड़ा 2D की अगर अपन बात करें, 66 इसके शोज हो, 230 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 1,226 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 2,41,370 का इसका ग्रॉस निकल कर आया। मलयालम 2D पर आ जाते हैं, 1,281 इसके शोज है, 151 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 45,751 इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ग्रॉस जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 75,49,643 का निकल कर आ रहा है। और अगर मैं ऑल ओवर इसके शोज काउंट करूं, 19,419 इसके ऑल ओवर शोज देखने को मिल रहे हैं भारत के अंदर, मैं ओवरसीज की बात नहीं कर रहा हूं। और अभी तक जो भारत में इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है, मैं करेंट की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 43 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, भारत से ही इसकी 43 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है, जो कि एक मैडनेस देखने को मिल रही है। और जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है वो हो गई है 80 करोड़ की हो चुकी है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सलार सीज फायर पार्ट 1 का बुक माय शो का ऑर्गेनिक इंटरेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 80 करोड़ प्लस की इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो अब क्या होने वाला, ये तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर किस तरह से 5 दिसंबर को इंडियन सिनेमा के अखाड़े में उतरने वाले और किस तरह से गर्दा उड़ाने वाले, ये तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।